कई विवादों के बाद आखिरकार गुरु नगरी अमृतसर में सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट के पहले चरण की शुरुआत हो गई है। इस प्रोजेक्ट का शुभारंभ स्थानीय निकाय मंत्री अनिल जोशी ने मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचकर किया। इस दौरान जोशी ने इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट कार्यालय के समक्ष खड़ी कूड़ा गाड़ियों को हरी झंडी देकर रवाना किया। पत्रकारों को जानकारी देते हुए निकाय मंत्री अनिल जोशी ने बताया कि ये प्रोजेक्ट जापान की कंपनी हिताची और भारतीय कंपनी SL इंफ्रा को दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत लोगों को सबसे पहले घर घर जाकर कूड़ेदान दिए जाएंगे, जिसके बाद कर्मचारी घर घर जाकर कूड़ा एकत्रित करेंगे। इसके अलावा कूड़े से बिजली का उत्पादन करने के लिए जो प्लांट लगाया जाना है वह भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा और आने वाले 2 सालों के भीतर वहां काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट को शुरू तो कर दिया गया है, लेकिन औपचारिक तौर पर इसकी शुरुआत 14 अगस्त को उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल द्वारा की जाएगी। अमृतसर से हलचल के लिए धर्मवीर गिल की रिपोर्ट। प्रेस मीडिया में बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि तुहाडा बहुत बड़ा रोल आ इस प्रोजेक्ट के जिन्ना तुसी इनू हाईलाइट लोगों नू अवेयर तुसी कर सकते जे होर कोई नहीं कर सकता। इस करके तुहाडा वेलकम स्वागत दिल दी गहराइयां तो बहुत बहुत मुबारक तुहानू भी ते पूरे गुरु की नगरी नू इस गल दी मुबारक कि जिनी डिवेलपमेंट जिहड़ी आ अमृतसर साहब दे विच हो रही आ उहदे नाल नाल इहदे साफ सफाई का भी जिहड़ा वा उहदा चिंता सानू सीगी, जिहदे च लगातार जिहड़ा वा स्टैप बाय स्टैप असीं जिहड़ा वा काम कर रहे हैं। पिछे पहलां तुहानू याद होना वा 2 हफ्ते पहलां असीं इत्थे मकैनिकल स्वीपिंग ट्रस्ट दे एरिए शुरू कीती सी।